Hello students, this is Neeraj Gupta. First chapter, video number 15. In this video, we are going to discuss, or we can say, we will start our discussion about systems of accounting. Do hi system hai, double entry, single entry. Single entry ke baare mein next video mein discuss karenge. Is video mein hum thoda bahut discuss karenge double entry system. Maine shayad pehle bhi ek video mein aapko bataya tha ki jo proper accounting system hai, उसमें हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं. हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. इमेजिन कीजिए कि आपने बैंक में पैसे जमा कराए. देखने में ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन लग सकती है, बट इसके दो इफेक्ट हैं. बैंक में पैसा जमा कराने से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया एंड कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, है ना, दो एस्पेक्ट्स. दूसरा एग्जांपल, आपने बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया. और कोई एग्जांपल, आपने स्टॉक खरीदा, आप एक दुकानदार हैं, माल खरीद रहे हैं, यू आर परचेजिंग सम गुड्स. अच्छी बात है, आपने सामान खरीदा तो आपके पास गुड्स आ गए. स्टॉक को हम गुड्स बोलते हैं अकाउंटिंग में कॉमनली, बट आपके पैसे भी तो चले गए, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, कैश रिड्यूस हो गया. सिंपल है. सेल किया, कोई भी चीज बेच दी, पैसे आ गए, कैश इंक्रीज हो गया. अगर उसने पेमेंट बैंक में किया, बैंक इंक्रीज हो गया, लेकिन स्टॉक भी तो रिड्यूस हो गया. बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया, कैश रिड्यूस हो गया और एक्सपेंस बुक हो गया या एक्सपेंस इंक्रीज हो गया. तो देखा जाए हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, उनको बैलेंस करके चलते हैं. एक एस्पेक्ट को बोलते हैं डेबिट और दूसरे को क्रेडिट. अब किसको बोलते हैं डेबिट, किसको बोलते हैं क्रेडिट, वो हम अभी समझ लो कि और एक दो चैप्टर्स के बाद जब पहुंचेंगे उस चीज पर तब डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये समझ लो कि अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट करके दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जैसे राइट लेफ्ट दो चीज है ना, ऐसे ही अकाउंटिंग में भी डेबिट क्रेडिट. बाद में समझेंगे इसको, लेकिन यह चीज पक्की है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों को अकाउंटिंग कंसीडर करती है. इसीलिए इसको हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हैं, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं. डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको. सो डबल एंट्री सिस्टम फीचर्स, इट रिकॉग्नाइजेस टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. हर ट्रांजेक्शन के दो पार्ट होते हैं, इन दोनों हिस्सों को यह कंसिडर करता है. अब जैसे कोई बीमार पड़ता है, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा है एक मिनट के लिए सिर्फ, तो यह बुरी बात है? मैं नहीं सोचता कि डॉक्टर ऐसा सोचता हो, लेकिन मेरा बीमार पड़ जाना डॉक्टर के लिए अच्छी बात है, उसको इनकम होगी. तो दो एस्पेक्ट है ना, मेरी गाड़ी सड़क पर पंचर हो गई, बुरी बात है, बट पंचर वाले को पैसे मिलेंगे, वो उसको ठीक करेंगे. तो देखा जाए तो भगवान ने जो भी सिस्टम बनाया हुआ, वैसे भी हर चीज के दो पहलू तो होते ही हैं, तो अकाउंटिंग भी दोनों एस्पेक्ट्स को लेके चलती है. डबल एंट्री सिस्टम, इट रिकॉग्नाइजेस बोथ द एस्पेक्ट्स, टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, एंड वन इज कॉल्ड डेबिट, द अदर इज क्रेडिट, एंड बोथ आर ऑलवेज इक्वल. बाकी की बातें इस बारे में हम बाद में करेंगे. अब अगर हम बात करते हैं, आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ छोटा सा, स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर हम स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो ये तो वही है जो मैंने पहले आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था. अकाउंटिंग और डबल एंट्री एक ही चीज है क्या? हां. क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम ही यूज करते हैं. तो जो पूरा चैप्टर में अभी तक आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, प्रोसेस, जो कुछ भी, वो सारा डबल एंट्री का था क्या? यस. हर चीज मैंने जो आपको अकाउंटिंग के बारे में बताई, वो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम की बताई, बिकॉज हम डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं. यही कंप्लीट रिकॉर्ड है, यही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, इसी से सही फाइनेंशियल पोजिशन पता चलती है. ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग रूल है, सिस्टम है. तो अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम मोर और लेस आप एक ही मान लो, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को ही हम यूज करते हैं, तो बात खत्म हो जाती है.
इसका मतलब जो हमने सारा कुछ पढ़ा वो डबल एंट्री से रिलेटेड ही था। तो इसलिए मैं अलग से आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि इसकी स्टेजेस क्या हैं या इसके एडवांटेजेस क्या हैं। आपकी बुक में दिया है नेचुरली एज ए ऑथर, ठीक है उन्होंने लिखा, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको रीड कर लीजिए, सिंपल है, अलग से लर्न करने का कोई काम नहीं है। जो मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था वही स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। जो एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आपकी बुक में दिए वही एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, बार बार उसको अलग अलग मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए इतना ही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगल एंट्री क्या होता है। अभी सोच सकते हो कि भाई जब अकाउंटिंग में वो यूज ही नहीं होता, डबल एंट्री ही होता है, तो हम सिंगल एंट्री भी क्यों पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट का एक डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।